हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो डेफिनेटली आपकी टैनिंग रिमूविंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं इसको स्पेसिफिकली तब यूज़ करती हूँ जब मेरी किसी एरिया में टैनिंग हो जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पैर में बहुत टैनिंग हो रखी है और मुझे इसे रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपको भी बताऊंगी जो मैं घर पे ही बनाती हूँ, जिसके लिए मैं कोई पार्लर नहीं जाती हूँ। और मैं अपना ही एक D10 पैक बनाती हूँ जो बहुत ही ईजी है घर पर बनाना, और आपकी उसके सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे और आपको पार्लर में पेडिक्योर में पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ की आपके बहुत ही जो ज़िद्दी टैनिंग आपके पैरों पे हो रखी है, आपके हाथों पे हो रखी है, ये उस पर भी काम करेगा। और अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके फील करेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। जब आप पहली बार इसको यूज़ करेंगे तो आपका थोड़ा सा टैन निकलेगा फिर, लेकिन टाइम के साथ आपका सारा टैन निकल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स की। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन, नींबू और खीरे का जूस। तो मैं एक पूरा नींबू यहाँ पे ले रही हूँ और उसके साथ ही हमें चाहिए होगी हल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैक को बनाना। तो हम लेंगे सबसे पहले एक कटोरी बेसन। मैं बेसन ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं इसको अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। फिर मैं उसमें डालूँगी एक पूरा नींबू और पूरा एक नींबू हमको निचोड़ना है इसमें। अगर आप इसको फेस में यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप पूरा एक नींबू ना निचोड़ें, बिकॉज अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये मे बी आपकी स्किन के लिए बहुत सेंसिटिव हो सकता है। तो मैं अगर पूरा नींबू इसमें डालूँगी तो मैं कभी भी ये मास्क फेस पर नहीं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और इससे मुझे रैशेज़ हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन भी ड्राई है तो आप प्लीज़ पूरा नींबू ना यूज़ करें, आप सिर्फ कुछ ड्रॉप्स यूज़ करें, मतलब सिर्फ 2 ड्रॉप्स से भी आपका काम चल जाएगा। और वैसे भी नींबू एक ब्लीचिंग एजेंट होता है तो ये आपके स्किन को लाइटन तो करता है लेकिन ये आपकी स्किन को पील भी कर सकता है, तो क्योंकि इसमें एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हल्दी ना लें, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीले निशान पड़ जाएंगे आपकी स्किन पे। फिर उसके बाद आप खीरे का जूस इसमें डाल दीजिए। आप देख सकते हैं खीरे के जूस भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिया है क्योंकि मैं इस तरीके के खीरे के जूस को फ्रिज में रख लेती हूँ और फिर उसको कुछ दिन तक अप्लाई करती हूँ। अब इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप इसको मिक्स करते रहें जब तक कि ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसका जो मिक्सचर है वो एकदम क्रीम की तरह बन जाना चाहिए। आप इसको अच्छे से मिक्स करिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इस पर और खीरे का जूस डाल दीजिए। मैंने ये खीरे का जूस मिक्सचर में बनाया है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खीरे को किस लें और उसके बाद उसका जूस निकाल लें। और अब हम बाल्टी में पानी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाल देंगे। आप चाहे तो बॉडी वॉश भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे शैम्पू लिया है क्योंकि शैम्पू थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आप थोड़ा सा लिक्वॉर्म वाटर ले सकते हैं। और अब हम इस शैम्पू को हाथ से मिला लेंगे ताकि इसमें अच्छे से मिल जाए, सो दैट हम जब अपने पैर इसमें डिप करेंगे तो हमारा शैम्पू इसमें अच्छे से मिला हुआ हो। और अब हम इसमें अपने पैर डिप करके 10 से 15 मिनट तक बैठ जाएंगे। और गाइज, जब आपके पैरों को डिप करे हुए इसमें 10 से 15 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम अच्छे से पैरों की स्क्रबिंग करेंगे। और स्क्रबर हम कोई भी ले सकते हैं, जो स्क्रब हम फेस में यूज़ करते हैं हम वो भी ले सकते हैं या फिर बॉडी स्क्रब भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा स्क्रब यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास बायोटिक का स्क्रब था तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। और अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब टाइम है स्क्रबिंग का। और आप देख सकते हैं मेरे पैर पहले से ही थोड़े से साफ़ लग रहे हैं और अब मैं इनमें अच्छे से स्क्रबिंग करूँगी। मैं अपने नेल्स के आसपास भी स्क्रबिंग करूँगी क्योंकि नेल्स में क्या होता है कि आपके थोड़े क्यूटिकल्स रह जाते हैं तो आपको उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही मैं अपने एंकल्स में और अपनी एड़ी को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और एड़ी को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं और ड्राई हो सकती हैं। और अब स्क्रबिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है
और अब अपने पैरों को फुट स्क्रब से साफ़ करूँगी। आपको बहुत ज़रूरी है अपने पैरों को फुट स्क्रब से साफ़ करना या फिर जो ब्रशेज़ होते हैं उनसे साफ़ करना। आपके फुट स्क्रब के साथ ही एक ब्रश आता है और मैं उसी से साफ़ करूँगी। और आप देख सकते हैं मैं अपने उस फुट स्क्रब से काफ़ी अच्छे से अपने पैरों को साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं एक पुराना टूथब्रश लूँगी और उस टूथब्रश से मैं अपने नेल्स और अपनी स्किन को थोड़ा सा एक्सफोलिएट करूँगी, ताकि क्योंकि जो ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो हमें हम उनसे कर सकते हैं और अपनी डेड स्किन को उससे निकाल सकते हैं। और मैंने अपने नेल्स को ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब बारी है दूसरे पैर की, तो मैं अपने दूसरे पैर की भी सेम उसी तरीके से क्लीनिंग करूँगी। मैंने अपने पैर धो लिए हैं और अब मैं उनको टॉवल से ड्राई कर लूँगी और फिर अब मैं उन पे अब वो जो पैक हमने बनाया था वो अप्लाई करूँगी। पैक को मैं अपने हाथ से ही अप्लाई करूँगी और मैं इसको अच्छे से अपने पैरों पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा ये मेसी हो सकता है, तो आप ये कोशिश करें कि आप इसे अपने बाथरूम में अप्लाई करें। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक रहने दूंगी। हो सकता है ये 15 मिनट से ज़्यादा भी ले, तो आप इसको पूरा ड्राई होने दें, बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें, थोड़ा सा इसको डैम्प रहने दें, सो दैट जब आप इसको हटाएं तो आप इसको स्क्रब करते हुए हटाएं। और अब इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये सूख गया है, तो अब मैं इसको स्क्रब करूँगी और स्क्रब करके इसको हल्के हल्के हाथों से निकालूँगी। और अब मैं अपने फीट्स को वॉश कर लूँगी। मैंने इस पैक को अपने हाथ पे भी लगाया था और आप देख सकते हैं मैंने इसको जहाँ से थोड़ा सा वॉश किया है, क्योंकि मुझे अपने पैर धोने थे, तो वो एरिया आप देख सकते हैं उसमें और जो पैक लगा हुआ पोर्शन है उस पर कितना डिफरेंस आ गया है। सो गाइज, आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, मेरे पैरों से काफ़ी हद तक टैन रिमूव हो गया है। एक बार में तो टैन कभी वैसे भी रिमूव नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा टैन रिमूव हो चुका है और अगर अब मैं इसे हर वीक यूज़ करूँगी तो डेफ़िनेटली मेरा पूरा टैन इसमें से रिमूव हो जाएगा। और आप भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। और गाइज़, अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट करें। सो गाइज़, टेक केयर एंड सी यू सून इन माई अनदर वीडियो। बाय।